मांझी मंगलवार को दाऊदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में दिव्यांग जनों के बीच उनके हित के सहायक उपकरण वितरण करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दिव्यांग भी हमारे परिवार व समाज के विभिन्न अंग है। उनकी सहायता के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है। दिव्यांग और गरीबों की सेवा ही सच्चे मायने में ईश्वर की सेवा है। इस दौरान सांसद के हाथों दिव्यांग जनों के बीच विभिन्न उपकरण का वितरण किया गया। एलिमको कंपनी द्वारा प्रदत्त ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी समेत कई अन्य उपकरण आदि का वितरण हुआ। भाजपा के युवा नेता जयकिशोर सिंह ने बताया, शिविर के माध्यम से 152 दिव्यांगों के बीच सहायक यंत्र उपकरण का वितरण सांसद द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मांझी मध्य मंडल अध्यक्ष बबलू शर्मा ने की। इस मौके पर भाजपा नेता मकेश्वर सिंह, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू, हेम नारायण सिंह, प्रमोद सिग्रीवाल, प्रोफेसर रघुनाथ ओझा, अनिल राम समेत अन्य भाजपा के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। तो आपके बच्चों क्या मिला? कान वाला मशीन। आप खुश हैं? हाँ। बच्चों खुशी ना। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमार। कौन बांटा है? नीति अब कुछ नहीं रहा, बिहार की नीति एक ही रह गई है और एक ही मन में रह गया सपना, और सपने के जैसा उसको देख रहे हैं लगातार कि हम कैसे नरेंद्र मोदी को उखाड़ करके फेंक दें। नरेंद्र मोदी जी उनको खेत का मूली के जैसा दिख रहे हैं। मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि अब भूल मत करें, नरेंद्र मोदी देश के 144 करोड़ लोगों के हृदय में बसने वाले हैं, और जो कोई किसी के हृदय में बस जाता है तो उसको आप उखाड़ नहीं फेंकिएगा, आप स्वयं उखड़ करके फेंका जाइएगा। आप पे सबसे हमें लगता है कि अविश्वासी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार सरकार और बिहार के खिलाफ काम करें। आपने देखा होगा 13 तारीख की घटना, 13 तारीख को जब इस राज्य की आवाज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्व घोषित कार्यक्रम पहुँचा, गांधी मैदान से विधानसभा की तरफ मार्च की, तो रास्ते में एक गुंडे के जैसे आत्मघाती बने हमला, मैंने जान से मारने का प्रयास। हमें लगता है कि इसको राज्य की जनता ने कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि आप चाहे लाठी बरसाओ या गोली चलाओ, बिहार और महाराजगंज की आवाज़ को लगातार बुलंदी से उठाने का काम करते रहूँगा। आप थक जाओगे लाठी गोली चलाते चलाते, लेकिन आवाज़ को नहीं दबा सकोगे, आवाज़ को नहीं दबा सकोगे। बहनों के बीच में आज भारत सरकार के माध्यम से एलएनजीओ के सहयोग से उनको बसकर और उनको अंग वितरण करने का कार्य आज किया जा रहा है। आज लगभग कई एक लाख के समान ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, सीपी चेयर, कान का मशीन, बैसाखी छड़ी, बैटरी वाला साइकिल, या आपके सामने एक दिव्यांग भाइयों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया गया है। लगातार प्रयास है भारत सरकार का भी और मेरा व्यक्तिगत भी कि हमारे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एक भी दिव्यांग भाई वहाँ न रह जाए जिनको कोई ना कोई जिनकी सहयोग की आवश्यकता उनको मिले। यह लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है और उसी के क्रम में आज उन्हें मांझी में इतने लगभग 125 के लगभग अपने उन्हें दिव्यांग भाइयों बहनों के बीच में यह सारी चीज़ों का वितरण हुआ। उनके जीवन में खुशी आए, वह एक गतिमान बने, वह पहले अस्थिर थे, एक जगह कहीं बैठ जाते कहीं जा नहीं पाते, कान से सुनाई नहीं पड़ता। आपने देखा भी होगा कि एक बच्चा अगर कान से सुनाई पड़ने लगता कितने उसके अंदर खुशहाली जग जाती है, कोई पैर से चल नहीं पाता है उसको साइकिल दे दिया जाए कितने अच्छे उसको खुशहाली बन जा रही है। उनके जीवन में खुशहाली आए, वह उनका जीवन गतिवान बने, वह लगातार अपने लिए अपने परिवार और देश के लिए सोचे हैं, यह प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत यह दिव्यांग भाई और बहनों के बीच में फंसकर और उनके अंग देने का काम किया जा रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। एक बार हमारे आग्रह पर, विनती पर, वह विभाग जो सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय है, वह एक बार में लिख दिया कि जितने पैसे महाराजगंज लोकसभा में लगते हैं जो सर्वे में आते हैं उनके अनुसार पैसा मुहैया कराए, तो समान बात नहीं है, उसमें अनलिमिट कर दिया, और इसीलिए जितने सर्वे हुए सबको कोई ना कोई सामान दिया जा रहा है। आगे भी यह बरकरार रहेगा। मैं इसके लिए पुनः अपने दिव्यांग भाइयों के जीवन में खुशहाली आए इसके लिए उनको भी बधाई देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का